गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम जो है लीफ के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारा। ठीक है बेटा, यहाँ से ही आपको नोट्स जो हैं अपनी कॉपी के अंदर उतारने हैं, और जो डीपीपी आपको दी हुई है बेटा 11th क्लास की, ठीक है, वो फेयर कॉपी में आपको नहीं करनी है, उसको सिर्फ सॉल्व करना है। आप चैप्टर पढ़ें, चैप्टर पढ़ने के बाद में उस डीपीपी को सॉल्व करें, फिर उसके आंसर की देखें। अपन एक सेशन जो है डीपीपी के प्रॉब्लम का भी ले लेंगे, ठीक है ना। जो आपको 3 DPP सेंड की हुई है, ठीक है, उसको हम एक प्रॉब्लम क्लास के अंदर लेके मैंने सारे क्वेश्चंस को उसको बता देना है, ठीक है ना, ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन जो भी है उस डीपीपी को लेकर वो भी दूर हो जाएंगे, है ना। तो उस डीपीपी को आपको फेयर कॉपी में नहीं करना है, आपको चैप्टर पढ़ना है, और चैप्टर पढ़ने के बाद उस डीपीपी को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड जो भी डाउट होंगे, ठीक है, वो हम आपको जो है एक सेशन लेके और सारे डाउट्स को क्लियर करवा देंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, क्लियर। नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाना है, अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है। और जो मैं यहाँ पर बोर्ड पर करवा रहा हूँ एक एक लाइन, ठीक है, वो आपको अपनी फेयर कॉपी के अंदर उतारनी है, ठीक है, और उसको डेली रिवाइज भी करना है बेटा। क्या करना है? डेली रिवाइज भी करना है, ठीक है ना, ओके। अब अपन जो है अगला टॉपिक जो हम ले रहे हैं लीफ का, वो है बेटा फाइलोटैक्सी। लीफ का जो अगला टॉपिक अपन ले रहे हैं वो है बेटा फाइलोटैक्सी, और फाइलोटैक्सी को अपन बोलते हैं बेटा पर्ण विन्यास, ठीक है। फाइलोटैक्सी को अपन क्या बोलते हैं? पर्ण विन्यास हिंदी में। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि पर्ण विन्यास क्या होता है। तो शाखाओं पर किस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, किस व्यवस्था के अकॉर्डिंग पत्तियां लगती है, उसी को बोलते हैं अपन पर्ण विन्यास। ठीक है, तो तने या शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था को पर्ण विन्यास कहते हैं। तने व शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था को पर्ण विन्यास कहते हैं। कि शाखाओं पर पत्तियां किस अकॉर्डिंग लगी हुई रहती है, तो उस व्यवस्था को अपन क्या बोलेंगे बेटा? पर्ण विन्यास कहते हैं, ठीक है। और ये 3 प्रकार का होता है बेटा। कितने प्रकार का होता है पर्ण विन्यास? 3 प्रकार का होता है पर्ण विन्यास जो है वो 3 प्रकार का होगा, ठीक है। तो जो पहला प्रकार पढ़ने वाले हैं बेटा वो है एकांतर। पहला प्रकार क्या है? एकांतर, जिसको अपन बेटा अल्टरनेट भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? अल्टरनेट भी कहेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें अरेंजमेंट किस तरीके से होगा। तो हम यहां पर स्टेम बना रहे हैं एक, ठीक है, और इस स्टेम की क्या है बेटा? नोड। ये क्या है? नोड है, ठीक है ना। तो यहां पर पहले इस नोड से एक पत्ती डेवलप हुई, ठीक है, फिर इस नोड से एक पत्ती डेवलप हुई, फिर इस नोड से एक पत्ती डेवलप हुई, ठीक है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, यानी पहले इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, तो इस तरीके का अरेंजमेंट बेटा क्या कहलाता है? एकांतर पर्ण विन्यास कहलाता है। तो इस बारे में हम, इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि इसमें प्रत्येक पर्व संधि पर एक पत्ती एकांतर क्रम में लगी होती है। इसमें प्रत्येक पर्व संधि से एक पत्ती एकांतर क्रम में लगी होती है। तो प्रत्येक पर्व संधि से एक पत्ती एकांतर क्रम में लगी होती है। तो इस प्रकार का जो पर्ण विन्यास है वो पर्ण विन्यास क्या कहलाता है बेटा? एकांतर पर्ण विन्यास कहलाता है। क्या कहलाएगा? एकांतर पर्ण विन्यास कहलाएगा, ठीक है। और इसके एग्जांपल है बेटा सूरजमुखी, सरसों और चाइना रोज, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या क्या है?
सूरजमुखी, सरसों और गुड़हल, ये इसके एग्जाम्पल है। तो इसमें पत्तियां जो है प्रत्येक पर्व संधि से एकांतर क्रम में लगी होती है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है आपको? ठीक है। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा सम्मुख अथवा विपरीत। ठीक है, तो यहां पर जो दूसरा है वो है सम्मुख या विपरीत। ठीक है, तो यहां पर देखो पत्तियों का अरेंजमेंट कैसा होता है। देखो ये हम बना रहे हैं स्टेम, ये बनाए बेटा नोड। ठीक है, अब पत्तियां जो है एक दूसरे के सम्मुख लगी हुई होगी, यानी इस तरीके से एक पत्ती यहां, एक पत्ती यहां, एक पत्ती यहां, एक पत्ती यहां, एक यहां और एक यहां। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है बेटा वो क्या कहलाता है? सम्मुख अरेंजमेंट कहलाता है। और इस तरीके से भी यहां पर लगी हो सकती है पत्तियां, ये नोड हो गया। ठीक है, तो यहां पर पत्तियां इस तरीके से भी लगी हो सकती है। ठीक है, और तो ऐसी पत्तियां आपको किस में देखने को मिलेगी बेटा? आंकड़े में। आंकड़े में इस तरीके का ही अरेंजमेंट होता है कुछ। ठीक है, जो एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत दिशा के अंदर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार के पर्व विन्यास में प्रत्येक पर्व संधि पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है। इसमें प्रत्येक पर्व संधि से एक जोड़ी पत्ती निकलती है जो एक दूसरे के सम्मुख या विपरीत दिशा में होती है। जो क्या होती है बेटा? एक दूसरे के सम्मुख होती है और विपरीत दिशा में होगी। और इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं बेटा कैलोट्रोपिस और गुआवा, यानी अमरूद और आंकड़ा। इसके एग्जाम्पल है अमरूद और आंकड़ा। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं तीसरे की। तीसरा जो पर्ण विन्यास होता है बेटा वो होता है चक्रित। कौन सा पर्ण विन्यास होता है? चक्रित, और इसको अपन वर्ल्ड भी बोलते हैं ना, वर्ल्ड। ठीक है, तो चक्रित पर्ण विन्यास के अंदर क्या होता है? ठीक है, डायग्राम के अंदर देखो, ये बनाया है हमने एक स्टेम और ये बना दिया है नोड, और यहां से बहुत सारी पत्तियां निकलती है बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो पर्ण विन्यास है वो कहलाता है चक्रित पर्ण विन्यास। तो इसके अंदर प्रत्येक पर्व संधि पर दो से अधिक पत्तियां चक्रित रूप में व्यवस्थित होती है। तो इसमें प्रत्येक पर्व संधि पर दो से अधिक पत्तियां चक्रित रूप में व्यवस्थित होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? दो से अधिक पत्तियां एक ही पर्व संधि से निकलती है और कौन से रूप में व्यवस्थित होगी? चक्रित रूप में व्यवस्थित होगी। और इसके एग्जाम्पल है बेटा नीरियम। इसके एग्जाम्पल क्या है? नीरियम।
नेरियम को अपन कनेर भी कहते हैं। नेरियम को अपन क्या कहेंगे? कनेर भी कहेंगे। यहां तक समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? कोई दिक्कत है? ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ये तो है अपना पर्ण विन्यास का, यानी यहाँ पर तने व शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था हमने देखी है। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक हम लेने वाले हैं अब वो है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ, कि लीफ का जो है अरेंजमेंट जो होता है वो कैसे होता है, अग्राभिसारी क्रम में होता है या तलाभिसारी क्रम में होता है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ लीफ जो होता है ना बेटा वो दो तरीके का होता है। ठीक है, या आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है लेकिन हम बता देते हैं, एक तो होता है बेटा अग्राभिसारी क्रम। ठीक है, अग्राभिसारी क्रम को अपन बोलते हैं बेटा एक्रोपिटल। ठीक है, और एक होता है बेटा तलाभिसारी क्रम। जिसको अपन बोलते हैं बेसिपिटल। ठीक है, तो अब यहां पर देखो कि अग्राभिसारी क्रम के अंदर हमने ये स्टेम बनाया ना बेटा। ठीक है, तो ये तो इसका शीर्ष भाग है, है ना, और ये इसका आधारी भाग है। ओके, अगर आधारी भाग पर पत्तियां बड़ी है, देखो इस तरीके से, और शीर्ष भाग पर क्या है, नई पत्तियां लगी हुई है। ठीक है, नीचे वाली जो पत्तियां हैं, ये वाली जो पत्तियां, ये तो है ओल्ड लीफ यानी पुरानी पत्तियां, और ये वाली जो है बेटा वो है यंग लीफ यानी नई पत्तियां। अगर शीर्ष भाग पर नई पत्तियां, ठीक है, और आधारी भाग पर पुरानी पत्तियां हो तो ऐसा अरेंजमेंट क्या कहलाता है बेटा? अग्राभिसारी अरेंजमेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा ऐसा अरेंजमेंट? अग्राभिसारी अरेंजमेंट कहलाएगा। ठीक है, बात करें तलाभिसारी की, तो तलाभिसारी का इसमें क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा शीर्ष भाग और ये कौन सा हो जाएगा? आधारी भाग। ठीक है, तो आधारी भाग पर कौन सी पत्तियां होगी? नई पत्तियां। ठीक है, और जैसे जैसे अपन शीर्ष भाग पर जाएंगे वैसे वैसे कौन सी पत्तियां होगी? पुरानी पत्तियां। ठीक है, तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है उसको अपन बोलते बेटा तलाभिसारी क्रम। क्या बोलेंगे? तलाभिसारी। समझ में आ गया? तो दो तरीके का यहाँ पे अरेंजमेंट हो सकता है, अग्राभिसारी यानी एक्रोपिटल और तलाभिसारी यानी बेसिपिटल। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है उतारो फटाफट से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इसको उतार लो बेटा फटाफट से। उतार लो इसको, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, फिर हम आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? ओके, ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ यानी पत्तियों के रूपांतरण। तो हम पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स यानी पत्तियों के रूपांतरण। ठीक है, कि कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का बेटा हमने एक ट्रिक बनाया है, रिमेंबर टू ट्रिक। ठीक है, तो इसको याद करने का एक हमने ट्रिक बनाया है,
है ना। और वो ट्रिक क्या है, प्लीज प्लीज ट्राई सूप एंड सूप। तो हमने ट्रिक बनाया है प्लीज प्लीज ट्राई सूप एंड सूप, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है याद करने का, प्लीज प्लीज ट्राई सूप एंड सूप, ठीक है। तो एक एक डिकोड करते हैं और एक एक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव, तो एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक को डिकोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई बेटा, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इसको अपन सीधी कर लेते हैं, अच्छी नहीं लग रही थोड़ी सी। अब सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पी को डिकोड करते हैं, इस पी को, ठीक है, इस पी को डिकोड करने वाले बेटा ना। तो पी से होता है बेटा फाइलोक्लेड, सॉरी फाइलोड, ठीक है। पी से क्या होगा बेटा, फाइलोड, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं पर्णाभ व्रंत। पी से होगा फाइलोड, जिसको अपन बोलते हैं बेटा पर्णाभ व्रंत, ठीक है। अब ये पर्णाभ व्रंत क्या होता है, इसमें बेटा क्या होता है कि जो पर्ण व्रंत होता है यानी जो पिटियोल होता है वो रूपांतरित हो जाता है, ठीक है, और वो ग्रीन कलर का होकर प्रकाश संश्लेषण करने लगता है। यानी कि ये हमने लीफ बनाया था और लीफ का ये वाला भाग क्या कहलाता है, पर्णव्रंत यानी पिटियोल। तो ये जो पिटियोल है ये क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण करने लग जाता है। तो ऐसे मॉडिफिकेशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, फाइलोड कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा कि पर्णव्रंत पत्ती के समान चपटा, सॉरी पर्णव्रंत चपटा होकर, अपन यहां लिखेंगे पर्णव्रंत चपटा होकर पत्ती के समान कार्य करने लगता है। तो इस प्रकार का रूपांतरण क्या कहलाएगा बेटा, पर्णाभ व्रंत कहलाएगा। और इसके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं अकेशिया, इसके एग्जाम्पल क्या है, अकेशिया। समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब अपन दूसरे पी को डिकोड करेंगे, ठीक है, इस दूसरे पी को डिकोड करते हैं, इस वाले पी को डिकोड करेंगे, ठीक है ना। तो इस पी को डिकोड करते हैं बेटा, तो ये होता है पिक्चर प्लांट। ये क्या होता है बेटा, पिक्चर प्लांट, ठीक है, PICTURE, पिक्चर, जिसको अपन बोलते हैं घटपर्ण, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, घटपर्ण बोलते हैं या पर्ण घट बोलते हैं, जैसा भी आप लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये जो घटपर्ण होते हैं, तो ये जो है ना, ये कीटनाशी पादप होते हैं। क्या होते हैं, ये कीटनाशी पादप होते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है बेसिकली, कि इनका जो आकार होता है वो ऐसे घड़े के आकार का होता है, ऐसे होता है, ठीक है। ये तो हो गया मतलब घड़ा, और ये हो गया उसका ढक्कन, इस तरीके से होता है बेटा ना। तो जैसे ही कोई कीट, जैसे ही कोई इंसेक्ट यहां पर बैठता है, इस जगह पर बैठता है, तो ये ढक्कन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और उस कीट का डाइजेशन कर लिया जाता है, उस कीट का पाचन कर लिया जाता है। और जैसे ही पाचन होगा, ढक्कन वापस से अपने आप खुल जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, कीटों को क्यों खाते हैं ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं, ठीक है। किसकी कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, उसकी आपूर्ति के लिए ये कीटों का डाइजेशन करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये पादप नाइट्रोजन की
आपूर्ति के लिए कीटों का भक्षण कर उसका पाचन करते हैं। कीटों का भक्षण कर उसका पाचन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कीट में क्या होता है कि सर उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, जो कीट होते हैं उनका जो बाह्य कंकाल होता है, ठीक है, वो बना होता है नाइट्रोजन एसिटाइल ग्लूकोअमीन का। वो किसका बना होता है? नाइट्रोजन एसिटाइल ग्लूकोअमीन का। जो कीटों का जो बाह्य कंकाल है ना ऊपर वाला, ठीक है, वो किसका बना हुआ होता है? नाइट्रोजन एसिटाइल ग्लूकोअमीन का। तो वहां पर नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। तो इस घटपन के अंदर ऐसा क्या होता है? तो इसके अंदर जो लीफ लैमिना होते हैं यानी पर्ण फलक होते हैं वो घड़े की आकृति में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसमें पर्ण फलक घड़े की आकृति में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, किसकी आकृति में परिवर्तित हो जाएंगे? घड़े की आकृति में परिवर्तित हो जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल है बेटा, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं निपेंथिस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं निपेंथिस। निपेंथिस को बोलते हैं बेटा घटपर्ण, या पिक्चर प्लांट भी इनको कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया है आपको? ठीक है, अब अपन इस टी को डिकोड करते हैं। टी को डिकोड करते हैं ना, तो इस टी का मतलब है बेटा टेंड्रिल। इस टी का मतलब है टेंड्रिल, यानी इसको अपन बोलते हैं प्रतान, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो छड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? छड़ने के लिए। तो इसमें संपूर्ण पत्ती प्रतान में रूपांतरित हो जाती है। इसमें क्या होगा कि इसमें संपूर्ण पत्ती प्रतान में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, जो आरोहण में मदद करती है। आरोहण का मतलब होता है किसी के सहारे चढ़ना। ठीक है, तो यहां पर पत्ती जो है किसमें रूपांतरित हो जाएगी? टेंड्रिल में रूपांतरित हो जाएगी, प्रतान में रूपांतरित हो जाएगी, जो आरोहण में सहायता करेगी। और इसका एग्जाम्पल है बेटा पी यानी मटर, और स्वीट पी यानी मीठी मटर। पी यानी मटर और स्वीट पी यानी मीठी मटर, ये दो एग्जाम्पल है बेटा जिसके अंदर पूरी पत्ती किसमें रूपांतरित हो जाती है? प्रतान में रूपांतरित हो जाती है। यहां तक आ गया समझ में? ठीक है, अब अपन इस एस को डिकोड करते हैं, यहां वाले एस को डिकोड करेंगे। ठीक है, और इस एस को डिकोड करेंगे, इसका मतलब होता है बेटा स्पाइन्स। स्पाइन्स का मतलब होता है शूल यानी कांटे। इसका मतलब होता है स्पाइन यानी शूल, कांटे। तो यहां पे पत्ती का कोई भी भाग कांटों पे रूपांतरित हो जाता है। तो इसमें पत्ती का कोई भी भाग कांटों में रूपांतरित हो जाता है। तो इसमें पत्ती का कोई भी भाग किसमें रूपांतरित हो जाएगा? कांटों में रूपांतरित हो जाएगा। ठीक है, जो किसमें सहायता करते हैं? जितने भी जो मवेशी होते हैं वो क्या करते हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए, ठीक है, उनसे बचने के लिए पत्तियां किसमें रूपांतरित हो जाती है? कांटों में रूपांतरित हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बेटा एलोवेरा यानी गंवार पाठा,
और कैक्टस और नागफनी भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो तीन एग्जांपल्स इसके हम पढ़ सकते हैं, एलोवेरा, कैक्टस और नागफनी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, और फिर वापस से एक एस को डिकोड करो तो उसको बोलते हैं बेटा स्टोरेज, फूड स्टोरेज, यानी भोजन संचय। तो यहां पर क्या होगा बेटा, पत्तियां भोजन का क्या करेगी, संग्रह करेगी। ठीक है, इसलिए वो रूपांतरित होती है। ठीक है, इसमें पत्तियां भोजन संचय के लिए रूपांतरित होती है। किसके लिए रूपांतरित होती है, भोजन संचय के लिए रूपांतरित होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऑनियन, यानी प्याज। तो प्याज के अंदर जो शल की पत्तियां होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या उपस्थित होता है, फूड उपस्थित होता है। ठीक है, तो वो भोजन के लिए क्या होती है, रूपांतरित हो जाती है। तो ये है बेटा पत्तियों का मॉडिफिकेशन, जिसको हमने एक ट्रिक की सहायता से पढ़ा है कि प्लीज प्लीज ट्राई सूप एंड सूप। यहां तक समझ में आ गया, इसका मतलब हो गया बेटा कि पर्णाभ व्रंथ पी फॉर फाइलोड, जिसमें पर्ण व्रंथ चपटा हो जाता है, घटपण जिसमें लीफ लैमिना जो है वो घड़े की आकृति का हो जाता है, प्रतान संपूर्ण पत्ती प्रतान में कन्वर्ट हो जाती है, पत्ती कांटों में रूपांतरित हो जाती है और पत्ती भोजन संचय के लिए रूपांतरित हो जाती है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये हो गया आपका मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ठीक है, पत्तियों में रूपांतरण। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, ओके बच्चा। अब जो है हम कल की क्लास के अंदर इन्फ्लोरसेंस पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इन्फ्लोरसेंस का मतलब होता है आपके जो पुष्प है, ठीक है, उसका अरेंजमेंट कैसे होगा। तो पुष्प क्रम को अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इन्फ्लोरसेंस को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम कल फ्लावर भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्लावर, फ्लावर के बाद में आपका टॉपिक है, बस उसके बाद में प्लेसेंटेशन है, फ्रूट है, और फ्रूट के बाद में आपका सीड वाला टॉपिक है। और फिर आपके इसमें तीन फैमिलीज दे रखी है, उन तीन फैमिलीज को भी अपन को डिटेल में करना है। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो इस वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक का जो मंडे ट्यूसडे है वहाँ तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कम्प्लीटली। ओके, तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा कि हाँ समझ में आ गया, कोई डाउट है तो आप बता दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, और कल हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, बाय बाय।